नमस्कार एंड आदित्य में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाया जाना निश्चित है। आपको बता दें कि प्रेजेंटेशन आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखेंगे। बीआरटीएस को हटाने पर 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साइकिल ट्रैक में भी सुधार किया जाएगा। देखिए जिस प्रकार से बातें कही जा रही थी बीआरटीएस को लेकर कि बीआरटीएस कॉरिडोर हटाया जाएगा, अब इस पर मुहर भी लगाई जा रही है, जहां पर इसका हटना निश्चित तौर पर हो चुका है। इसका आज प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा लिखा जाएगा और आपको बता दें कि इसे हटाने का खर्चा 18 करोड़ रुपए आने वाला है। साइकिल ट्रैक में भी थोड़ा बहुत सुधार किया जाएगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रिजवान जुड़ गए। रिजवान, बीआरटीएस कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ था तो करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए थे, अब इसे हटाने के लिए भी 18 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। किस प्रकार से आप देख रहे हैं और इससे क्या आम जनता को सुविधा मिलेगी? देखिए, मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने जो है बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का निर्णय लिया था और ऐलान किया था कि कॉरिडोर जो है हटना चाहिए। अब निश्चित जी जो 24 किलोमीटर की लंबाई का जो लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर है, इसको हटाया जाना है। मिसरोद से होशंगाबाद रोड सेक्शन की कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर है, उसमें भी सुधार की जो है आवश्यक जो है अधिकारियों ने बताया है। कॉरिडोर में बस लेन को छोड़कर बीआरटीएस में दोनों तरफ 3-3 जो कुल 6 लेन मार्ग भी है, उनमें भी सुधार किया जाएगा और साइकिल जो ट्रैक साइड में बना हुआ है उसको भी सुधारने की जो है कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए थे, इस तरीके से साइकिल ट्रैक जो था वो बद से बदतर हालत में पड़ा हुआ है और कई सालों महीनों से जो है उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई, उस पर भी सुधार किया जाएगा। और बीआरटी कॉरिडोर को जो है हटाने का जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्णय लिया था, उसको भी हटाने की कवायद अब शुरू की जाएगी। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए, और आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाना निश्चित तौर पर जाहिर हो चुका है, अब प्रेजेंटेशन डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा देखा जाएगा और उसके बाद में इसे हटाने की कवायद भी।